दरों का। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चीनी उद्योग के 120 वर्ष पूरे करने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और राजभवन में प्रादेशिक शाक भाजी फल एवं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वह बांदा का दौरा करेंगे, जहां वह जिला मुख्यालय बांदा में महाराणा प्रताप और महाराजा खेत सिंह संगार जूदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही कालिंजर महोत्सव और जनसभा को संबोधित कर जन प्रतिनिधियों से भेंटवार्ता करेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा होगा, चीनी उद्योग के कार्यक्रम में शामिल होंगे, महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे सीएम योगी, जनप्रतिनिधियों से भेंट वार्ता करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ की इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चीनी उद्योग के 120 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्या कुछ खास होगा इस कार्यक्रम में? देखिए मयूरी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 बजे के करीब जो है इस समय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम जो है आयोजित हो रहा है। इसमें चीनी उद्योग के 120 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब शिरकत करेंगे। हम आपको बता दें कि इस सरकार ने चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तमाम जो शुगर मिल काफ़ी अरसे से बंद पड़ी थी उसको चालू कराना शुरू किया है। कई सरकारों में ये शुगर मिल चालू नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद इन शुगर मिलों को चालू किया गया है और गोरखपुर के क्षेत्र में भी कई शुगर मिलों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू कराया है। और चीनी उद्योग और गन्ना किसानों के लिए एक राहत भरी एहसास है कि ये शुगर मिल शुरू हो रही है, जिसके बाद से गन्ना किसानों को काफ़ी राहत मिली है और तमाम सही चीज़ें इन सबसे जुड़ी हुई है। तो कितनी भी बंद शुगर मिलों को चालू करने का काम इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है और 120 वर्ष जो है चीनी उद्योग के पूर्ण होने के उपलक्ष में जो आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मुख्यमंत्री उसमें शिरकत करेंगे और योगी के अलावा कौन कौन लोग शामिल रहेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। देखिए, इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा जो बड़े पदाधिकारी हैं, कृषि मंत्री के भी शामिल होने की उम्मीद की जा रही है, जो बड़े पदाधिकारी हैं अलग विभाग के वो भी शामिल रहेंगे और मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसके बाद जो है 11 बजे के करीब राजभवन में एक कार्यक्रम है जिसमें पुष्प प्रदर्शनी का कार्यक्रम है, जहाँ पे वो प्रादेशिक साग भाजी फल एवं पुष्प प्रदर्शनी का कार्यक्रम होगा, उसका अवलोकन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके बाद वो जनपद बांदा के दौरे पर वो प्रस्थान करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ का दौरा करेंगे। दोपहर 1 बजे महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे वहाँ पे। उसके बाद लगभग 1:30 बजे के बाद महाराणा खेत सिंह खंगार जुवेद की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे, यानी कि 1 बजे महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद लगभग 1:40 पर महाराणा खेत सिंह खंगार जुदेव की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे और 2:30 से 3:30 बजे तक कालिंजर महोत्सव जनसभा में उपस्थित रहेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और तमाम कार्यक्रमों का जायजा भी लेंगे। इसके बाद 3:30 से 4 के बीच की बात की जाए तो जो जनप्रतिनिधि होंगे बांदा के, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होंगे, जो विधायक होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। निकाय चुनाव भी आने वाला है तो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं अलग बांदा जिले के, वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और अपनी समस्याओं को भी रखेंगे। मयूरी, विवेक कब तक रहेंगे बांदा में सीएम? 4 बजे के करीब तक बांदा में सीएम का प्रोग्राम है और 4 बजे तक वहां पर रहेंगे, उसके बाद वो वहां से प्रस्थान कर जाएंगे। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। आज महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे, वहीं जनप्रतियों से भेंटवार्ता भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बांदा दौरा है, जहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, वहीं पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, साथ ही महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम, जनप्रतिनिधियों से भेंटवार्ता करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बांदा दौरा आज है, जिसमें कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, वहीं लखनऊ में चीनी उद्योग के कार्यक्रम में शामिल होंगे।
चित्रकूट में विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी और ड्राइवर की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बता दें कि ड्राइवर नियाज को 5 दिन और पत्नी निखत को 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है और लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट ने दोनों की पुलिस रिमांड की मंजूरी दे दी है। तलाशी के दौरान पुलिस को निखत के पास 2 मोबाइल और सोने के जेवरात बरामद हुए थे। इस एक्शन के बाद विधायक अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से कासगंज जेल शिफ्ट किया गया है। अब्बास अंसारी की पत्नी और ड्राइवर की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, चित्रकूट में विधायक अब्बास अंसारी और पत्नी ड्राइवर की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर बात आती है विधायक की, और विधायक वो भी है जो है वो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, अब्बास अंसारी। तो इसमें जो है चित्रकूट में, चित्रकूट की जेल में लगातार ये सूचनाएं मिलती हैं, ईडी को और तमाम जो पुलिस बल है उनको मिलती है कि जो विधायक की पत्नी है वो लगातार उससे मिलने आती है और तकरीबन कई दिनों से मिलने आती है और 3-4 घंटे वहां पर जेल में बिताती है। और खुद डीएम और एसएसपी ने वहां का दरवाजा खुलवाया था, उसके बाद वहां पे निखत अंसारी वहां पर बरामद हुई थी। निखत अंसारी को वहां से हिरासत में लिया गया, उसके बाद जो उसका ड्राइवर है नियाज उसको हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस की कार्रवाई बहुत तेजी से फैली थी और पुलिस ने एक रिमांड दाखिल की थी कि लखनऊ कोर्ट में एंटी करप्शन कोर्ट है वहां पर रिमांड दाखिल की थी कि जो नियाज है और जो उसका ड्राइवर है उसको रिमांड में लिया जाए। तो फिलहाल नियाज की जो रिमांड है वो 3 दिन की थी और जो उसका ड्राइवर है उसकी 5 दिन की रखी गई है फिलहाल। अब देखना, ये भी दिलचस्प होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस लगातार सवाल पैदा कर रही है और बहुत बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी है जो बाहुबली हुआ करता था अपने समय में, उसके जो बेटे हैं अब्बास अंसारी, उसकी जो पत्नी है उसको रिमांड में लिया जाएगा, उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद तमाम जो राज खुलेंगे क्योंकि उसके पत्नी के पास 2 मोबाइल बरामद हुए थे पुलिस को, मोबाइल के साथ तमाम ऐसी चीजें बरामद, कागजात भी बरामद हुए थे, आधार कार्ड बरामद हुआ था और उसके बाद जेवरात भी, सोने के जेवरात भी बरामद हुए थे। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि पुलिस अब इसमें जांच करेगी और उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है, बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है क्योंकि हाल ही में जो डिप्टी जेलर जो निलंबित हुए हैं, सस्पेंड किया गया है उनको, उसमें भी ईडी का लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, ईडी ने भी शिकंजा कसा है क्योंकि अभी हाल ही की बात बताऊं तो मयूरी की जो जेलर है जो फिलहाल जो सस्पेंड किए गए हैं उसके पास एक नई कार बरामद हुई है और नई कार की बात करूं तो नई कार जो है मऊ, जो डिस्ट्रिक्ट मऊ है वहां से उसके उस नंबर का उस कार का रजिस्ट्रेशन है। और मऊ की बात बताऊं तो मऊ का जो इलाका है वो मुख्तार अंसारी का इलाका पड़ता है। तो फिलहाल देखना ये भी होगा कि कई और मुख्तार, और साथ ही आपको बता दूं कि जो उसकी बाइक है जो मुख्तार अब्बास अंसारी की बाइक है उसके पास से भी कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, जहां तक हमें लगता है कि मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं अब्बास अंसारी उनसे लगातार संपर्क में थी, वो उन्हें कहीं ना कहीं जेल से भगाने या फिर भागने की जुगत में वो लगी थी नियाज अंसारी। अब फिलहाल देखना ये भी होगा कि एक तरफ जेलर भी सस्पेंड हुए हैं, तमाम लोग सस्पेंड हुए हैं और इसके पीछे जो जुड़े लोग थे, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है जेल में रोजाना, मैं एक दिन की बात ही कहूंगा, रोजाना उसकी जो पत्नी है वो मिलने आती थी, तकरीबन 3-4 घंटा बिताती थी और उसके बाद उस जहां पे वो मिलती थी उसके दरवाजे को ताला लगा दिया जाता था। कुल मिलाकर वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के बाद पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद डीएम एसएसपी वहां पहुंचे, डीएम एसएसपी ने वहां का ताला खुलवाया, उसके बाद देखा कि वहां पर उसकी पत्नी है और अब्बास अंसारी भी मौजूद हैं। और फिलहाल देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या कुछ कार्रवाई पुलिस करती है और ईडी लगातार शिकंजा कस रही है क्योंकि यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं उसके ड्राइवर की और जो निकट अंसारी उसकी 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 जो वाइफ है उसकी पत्नी है। तो सवाल यही सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि अब्बास अंसारी की पत्नी और ड्राइवर की पुलिस रिमांड मिली हुई है, तो क्या कुछ एक्शन आगे लिया जा सकता है?
जी आपको बता दूं कि देखिए 3 दिन की जो पुलिस रिमांड उसकी पत्नी को दी, पत्नी को मिली है, उसके बाद जो उसके जो ड्राइवर है उसको 5 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है। और ये भी बहुत बड़ा खुलासा होगा फिलहाल की अब तक पुलिस अब तक जो कहीं ना कहीं देखिए स्थानीय पुलिस की भी मिली भगत हो सकती है और जो जेल प्रशासन है उसकी भी मिली भगत है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक अपराधी है, अपराधी को कैसे मिलने की इजाजत दी जा सकती है, वो भी 3-4 घंटा कैसे कोई अपराधी मिल सकता है और 3-4 घंटा वहां पे जेल में बंद है वो, उसके बावजूद भी पुलिस लगातार छानबीन करती रहती है लेकिन स्थानीय पुलिस को इस बात की कोई सुध नहीं मिलती है। और दूसरी बात बता दूं कि 4 से 5 घंटा मिलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप रेगुलर अगर किसी जेल में जाते हैं तो वहां से मुश्किल से आपको आधे घंटे की इजाजत होती है, आधे घंटे का परमिशन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ 3 से 4 घंटा अगर मिलना है तो कहीं ना कहीं बात करूंगा प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, जो जेल प्रशासन है बहुत बड़ी लापरवाही है। और सबसे बड़ी मिलीभगत जो है जो डिप्टी जेलर हैं जेल सुपरिटेंडेंट है उनकी भी मिलीभगत सामने आ रही है, फिलहाल अभी सब सस्पेंशन में चल रहे हैं। और दूसरी बात बता दूं कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अब्बास अंसारी की पत्नी और ड्राइवर की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है, 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। कानपुर देहात अग्निकांड मामले में पीड़ित परिवार से मिलने प्रियंका वाड्रा कानपुर जा सकती हैं। फिलहाल घटना के बाद से पुलिस प्रशासन ने अब तक किसी भी विपक्षी दल के किसी भी नेता को परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी है। वही माना जा रहा है कि प्रियंका का यह दौरा औचक और गोपनीय हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते प्रियंका पीड़ित परिवार से मिल सकती हैं। आपको बता दें कि रूरा थाना क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान झोपड़ी में जलकर मां बेटी की मौत हो गई थी, जिस पर पीड़ित परिवार का आरोप था कि पुलिस प्रशासन ने ही गाँव के कुछ लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। बता दें कानपुर देहात में बड़ा हादसा हुआ था जहां मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं लगातार इस मामले में सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही थी। अब जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार से प्रियंका वाड्रा मुलाकात कर सकती हैं। बता दें पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी भी विपक्षी दल के नेता से पीड़ित परिवार की मुलाकात नहीं होने दी है। बता दें कानपुर देहात अग्निकांड मामले में पीड़ित परिवार से मिलने प्रियंका वाड्रा कानपुर जा सकती हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, कानपुर देहात में बड़ा हादसा हुआ था जिसमें मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी और लगातार इसमें सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही थी। वहीं अब जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार से प्रियंका वाड्रा मिल सकती हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जैसे जब से कानपुर देहात की बड़ी घटना हुई है तब से लगातार सारी पार्टियों की जो भी डेलीगेशन है, जो भी बच्ची पार्टियां हैं सभी की डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने जाने के लिए हमेशा तैयार है। और कल ही सपा के कुछ डेलीगेशन जो है पीड़ितों से मुलाकात की है। इसके साथ ही एक सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी भी उनके परिवार से मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है और राजनीति के चलते प्रशासन के भी हाथ पांव खुले हुए हैं। हालांकि वर्तमान अपडेट ये है कि उस वहां पे उस गाँव में एक स्थायी चौकी बनाई गई है, जो भी वहां मिलने जाएगा उसका स्थायी चौकी से परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही किसी भी प्रकार का विरोध वहां पे करने के लिए साफ मना किया गया है और जो भी परिवारजनों से मिलेगा वो शांति से मिल से वहां से जाने के लिए कहा गया, निश्चित समय दिया गया है। हालांकि अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि आगे प्रियंका वाड्रा कब तक आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से स्थितियां चल रही है उत्तर प्रदेश की, जो चर्चा है उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में है, तो कहीं ना कहीं ट्विटर पे भी इसका ट्रेंड चल रहा है और लगातार विपक्ष जो है योगी आदित्यनाथ को घेरे में ले रहा है। साथ ही यहाँ के जो उनका बुलडोजर मॉडल था उसकी भी आलोचना कर रहे हैं। अनिल, प्रियंका वाड्रा के साथ और कौन लोग मौजूद रह सकता है, कब तक वो मुलाकात कर सकती हैं, क्या इसकी कोई जानकारी मिली है? जी, मैं बता दूं कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे मिल सकती है और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष और जो भी जिले के उनके पदाधिकारी होंगे सभी उनके साथ होंगे।
अब देखने वाली बात होगी कि कितने लोगों को मिलने की अनुमति मिलती है। हालांकि परिवार उनके आश्वासन से अभी उतना खुश नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ मात्र 5-5 लाख रुपए के 2 चेक दिए गए हैं। साथ ही जो वादे किए गए थे अभी उतना कुछ नहीं मिल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं कानपुर के कमिश्नर राजशेखर लगातार उनको बनाने में सफल रहे हैं और आगे की जो कार्यवाही है आगे की जाएगी। जी धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। बता दें अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसमें लगातार सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही। वहीं अब जानकारी के मुताबिक प्रियंका वाड्रा भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकती हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 महिला नेताओं ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को निष्कासित कर दिया है। सपा ने यह घोषणा पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से की है। आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने लगातार सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, जिसके बाद पार्टी से निकाले जाने पर दोनों ही महिला नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। रोली तिवारी सपा प्रवक्ता थी, जबकि डॉक्टर ऋचा सिंह इलाहाबाद पश्चिमी में 2022 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। बता दें सपा ने 2 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। स्वामी प्रसाद के बयान पर दोनों विरोध कर रही थी, जिसके बाद पार्टी ने एक्शन लेते हुए दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 महिला नेताओं ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। देखिए मयूरी, समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिस प्रकार से देख सकते हैं कि वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को बैक सपोर्ट देते रहे हैं हर मुद्दे पर, लेकर चाहे वो रामचरितमानस का मुद्दा हो, जहां पे सपा के नेता भी उनके बयानों से पल्ला झाड़ चुके थे। इसे सपोर्ट मिलने के बावजूद उनको राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया है, और जिस तरीके से चीज़ें जा रही थी, समाजवादी पार्टी में विरोध के सुर भी उठने लगे थे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके, इस मामले को बढ़ते लगे। जिस प्रकार से 2 महिला नेता कद्दावर महिला नेता थी, तेज तरार महिला नेता थी ऋचा तिवारी और रोली ऋचा सिंह और रोली तिवारी, इन दोनों को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। कल शाम को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी भी समाजवादी पार्टी ने दी थी। और रोली तिवारी जो है समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य भी रही थी, और इलाहाबाद पश्चिम से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। तो ये दोनों कद्दावर महिला नेता हैं, लगातार इनके बगावती सुर जा रहे थे समाजवादी पार्टी के खिलाफ और स्वयं प्रसाद मौर्य के खिलाफ। ऐसा बताया जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो जो है इनसे खासे नाराज चल रहे थे, जिसके बाद से ये बड़ा एक्शन समाजवादी पार्टी ने लिया इन दोनों के खिलाफ, और फिलहाल इन दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद अभी तक जो है रोली तिवारी और ऋचा सिंह की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। मयूरी, विवेक, ऋचा सिंह ने सपा पर निशाना साधा है, उन्होंने सपा को महिला विरोधी बताया है ट्वीट कर। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि ट्विटर के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है कि वो महिला विरोधी है। इसके पहले महिला आयोग की सदस्य रह चुकी है, लेकिन किसी मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लगातार समाजवादी पार्टी से वो जुड़ती रही हैं, इलाहाबाद पश्चिम से उन्होंने चुनाव भी लड़ा हुआ है। इस प्रकार से जो चीज़ें चल रही हैं, लगातार बगावती सुर जो है उनके उत्पन्न हो रहे थे, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने जो है इस पर संज्ञान लिया है, क्योंकि वो इन लोगों के कार्यों के प्रति आश्वस्त नहीं थे, इससे नाखुश नजर आ रहे थे और नाराज लगा रहे थे, जिस पर ट्वीट करके उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी है, उनकी नीतियों के खिलाफ है, महिला विरोधी है। बाकी ऋचा सिंह का अभी तक आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है। इसके बाद देखते हैं कि आगे की क्या स्थिति होगी, आगे क्या जो है ये दोनों महिला नेताएं आगे क्या रुख अपनाती हैं, किस पार्टी में जाती हैं, वो बात किस जी, तो देखने वाली बात होगी। धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध कर रही थी सपा ने दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है, जिसमें ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को पार्टी से निकाला गया है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।